प्राइवेट पार्ट के हेयर की रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हनी। आपके पास कोई भी ब्रांड है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच के करीब इसमें हनी ऐड करूंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं एक चम्मच हनी इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या, इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने घर की चीनी ही ली है जो हम यूज करते हैं, यानी कि शक्कर। चीनी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दरदरी कर ली है, थोड़ी सी पीस ली है, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा करना है ताकि आपको चेवे ना। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब चीनी ली है, ठीक है। चीनी मैंने ली है एक चम्मच। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नींबू। नींबू आपको कम से कम ऐड करने हैं 10 बूंदे, ठीक है। अगर आपको नींबू से एलर्जी है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपको नहीं है तो आप प्लीज जरूर ऐड करिए, क्योंकि ये हमारी स्किन को लाइटनिंग का भी काम करता है। इसके साथ ही जो बालों के अंदर जो फॉलिकल होता है ना, उसको ना कमजोर बनाने में मदद जरूर करता है, तो बहुत अच्छी रेमेडी। तो यहाँ पे मैं इसमें 10 बूंदे नींबू की ऐड कर दूंगी, यानी कि आधी चम्मच के करीब, ठीक है। इसमें ये भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब इन सबको थोड़ा सा आपको मिलाना है ताकि जो चीनी है वो घुले ना, क्योंकि हमने इसमें चीनी थोड़ी सी पीस करके डाली थी, ज्यादा मिलाएंगे तो चीनी घुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी वैक्स की तरह ये जो रेमेडी है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। जो वैक्स आती है बाजार में, आपको उसी तरीके से ये रेमेडी मिलेगी, देख लीजिए, बिल्कुल रेमेडी उसी तरीके से बनी है। अब आपको इस एप्लीकेशन को अपने प्राइवेट हेयर पे कैसे लगाना है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपने प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, ठीक है। आपका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब इस एप्लीकेशन को आपको लगाना कैसे है, ये एप्लीकेशन मैं आपको अपने हाथों पे लगा करके दिखाऊंगी कैसे लगाना है। अगर आपके बाल, पहले आप अपनी इस एप्लीकेशन को अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे लगा लिया अच्छे से, अब बता देती हूँ। अब अगर आपके बाल इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो आपको इस रेमेडी की मसाज इस साइड करनी है, यानी कि आपको मसाज बाल के अपोजिट डायरेक्शन पे करनी है, ठीक है। बाल अगर इस साइड जा रहे हैं तो आपको मसाज इस साइड करनी है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन पे आपको इस रेमेडी की मसाज करनी होगी और थोड़ा सा आपको ना प्रेशर डालना होगा। आप हल्के हाथों से करेंगे तो इस तरीके से आपके बाल नहीं निकलेंगे, और रेमेडी अच्छे से लेनी है और अपोजिट डायरेक्शन पे इस तरीके से बालों पे मसाज करनी है प्राइवेट पार्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट पार्ट के जो हेयर होते हैं थोड़े से टाइट होते हैं, तो आपको इस तरीके से प्रेशर डाल करके इस तरीके से मसाज करनी होगी। ये मसाज आपको 4 से 5 मिनट के करीब करनी होगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक साथ आपके बिल्कुल वैक्स की तरह बाल निकल जाएंगे, पर अगर आप इसका जो यूज है ना अल्टरनेट डेज में, यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ के करेंगे, तो आप 6 से 8 दिन में देखेंगे कि आपके प्राइवेट हेयर जो है वो धीरे धीरे कम हो गए हैं और वहां के बाल आना भी बंद हो जाएंगे परमानेंटली। बहुत अच्छी रेमेडी है और बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और आपकी स्किन वहां की अगर काली भी पड़ गई है ना वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन पे अपने बालों को इस तरीके से निकालना है जिस तरीके से हम वैक्स करते हैं। तो आपको ये उपाय नहाने के टाइम कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास पूरे दिन में कभी भी टाइम है तो आप कर सकते हैं। आपको 7 दिन में 4 से 5 बार ही करना है। 4 से 5 बार के यूज में ही आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। और ये उपाय आपको स्टोर करके नहीं रखना है, जब भी यूज करें फ्रेश ही बना करके यूज करें। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, जरूर करके देखना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है ना तो प्लीज प्लीज जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही रेमेडी मैं आपके लिए और लेकर आने वाली हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना ऐसी वीडियो के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।